पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे संज्ञा पद परिचय। पद परिचय में हमने पढ़ा था संज्ञा का पद परिचय, है ना, संज्ञा का पद परिचय ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा विषय होगा सर्वनाम। सर्वनाम के भेद अपन पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने तीन भेद बताए थे आपको। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा? जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे कौन सा, उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सारे क्या है? ये सारे सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वक्ता, हमेशा बोलने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ तो उस समय कौन हूँ? मैं वक्ता हूँ। और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष है। जब आप बोलेंगे तो आप वक्ता हो जाएंगे, बोलने वाला हो जाएगा, और मैं सुनने वाली यानी मैं मध्यम पुरुष हो जाएगा। जो बोलने वाला होता है वो हमेशा उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है वो हमेशा मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब दूसरा देखें हम, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा कि सुनने वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रोता, इसे हम क्या कह देंगे? श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला, इसको हम कर देंगे सुनने वाला। सुनने वाले, सुनने वाले के लिए श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे कौन सा सर्वनाम करते हैं? श्रोता मतलब सुनने वाला। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, ये सारे क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जो तू है वह क्या हो जाएगा? बहुत ही नज़दीकी के लिए, जिससे हमारा घनिष्ठ अपनापन संबंध है उसके लिए तू शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आदर सूचक के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप है ये क्या है? आदर सूचक है। जैसे मैंने कहा आप कब आए, मैंने तो इसको आप को रेखांकित कर दिया, तो यहाँ पर जो आप है वो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को आदर से संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इसके जगह तू, तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखो, अगला है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
हम लिख दें यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक या सॉरी अन्य पुरुष, अन्य पुरुष क्या होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, उपस्थित और अनुपस्थित दोनों हो सकते हैं, यानी जिसके बारे में जो वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता आपस में मिलकर जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति तीसरे बारे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब नहीं भाई उसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए जो थर्ड पर्सन है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं के बारे में बात करते हैं या उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वक्ता और श्रोता आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं जैसे वे, वह, उनसे, उनका, उन्होंने, ये सारे क्या हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर, आगे चलो। दूसरा मैंने बताया था निश्चयवाचक, शब्द से पता चल रहा होगा जिन संज्ञा शब्दों के बारे में निश्चित ज्ञान हो, निश्चित बोध हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना प्रयुक्त होने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, यानी कहने का मतलब है जिस व्यक्ति, वस्तु, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर, घटना यानी जिसके बारे में हमें निश्चित ज्ञान होता है उसके बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे इन्हीं, यह, वह,
ये सारे क्या है, ये सारे क्या है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे उदाहरण देखें हम इसका, उदाहरण देखो इसका, ये सभी बाजार जा रहे हैं, ये सभी बाजार जा रहे हैं। तो ये जो ये शब्द है इसको अगर मान लो रेखांकित कर दिया जाए पद परिचय कराने के लिए, तो ये शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये जितने भी व्यक्ति जो बाजार जाने का काम कर रहे हैं, ये उनके बारे में, मतलब इसके बारे में, इन लोगों के बारे में निश्चित ज्ञान है। दूसरा है, यह है मेरा घर नहीं है, यह मेरा घर नहीं है, यानी यह जो शब्द है वह आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि इस घर के बारे में हमें निश्चित ज्ञान है कि यह वास्तविक रूप से, या मेरा घर नहीं है, मेरी किताब नहीं है, मेरा भाई नहीं है, इस काम के बारे में मैं नहीं जानता। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। दूसरा देखिए, अनिश्चय। निश्चय का विपरीत क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी उल्टी परिभाषा हो जाएगी, जो हमने निश्चयवाचक की लिखी थी उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जिस वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म के बारे में जब निश्चित बोध न हो, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर, वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो वाचक शब्द है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सारे आपके क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब उदाहरण देखें हम, जैसे कोई व्यक्ति है जो हमारे घर की डोरबेल बजा रहा है। अब मान लो डोरबेल बजा रहा है, लेकिन हम जब अंदर से बाहर निकले तो हमें उस व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि जो डोरबेल बजाने वाला व्यक्ति है वह कौन है। जैसे मैंने कहा कोई बाहर खड़ा है, अब जो बाहर खड़ा है उस व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है, तो ये जो कोई शब्द है ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा मैंने कहा दाल में कुछ गिरा है, तो दाल में कुछ गिरा है, जो कुछ शब्द है इसके बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखना, जो कोई होगा ये सजीव के लिए आएगा, और जो कुछ होगा वो हमेशा किसके लिए आएगा, निर्जीव के लिए। यह आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने आवाज दी, अब जो किसी शब्द है वह भी किसके लिए आएगा, सजीव के लिए आएगा, किसी ने आवाज दी, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उनका पद परिचय करने के लिए ध्यान रखना, ये सर्वनाम आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक, ताकि आपको पहचान हो सके कि जिस शब्द का, जिस पद का
परिचय पूछा जाए उसके बारे में आपको पता हो कि ये जो पद है, जो शब्द है, वह क्या है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये शब्द नहीं रहते, जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। आगे देखो, चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या जो संज्ञा शब्द के बारे में प्रश्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो लिखिए, एक मिनट, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि के बारे में प्रश्न करने का बोध हो, वह कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, किसे, किसको, बाहर कौन खड़ा है। अब कौन को मैं रेखांकित कर दूं, पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बाहर कौन खड़ा है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैंने पूछा कि बाहर कौन खड़ा है। आप किसे देख रहे हैं, मैंने कक्षा में विद्यार्थी से पूछा, उसका ध्यान नहीं अपनी तरफ और मैंने कहा आप किसे देख रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप किसको देख रहे हैं तो भी वो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलो, उसके बाद आएगा आपका संबंधवाचक और एक रहेगा आपका निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में देखो, संबंध से पता चल रहा है कि वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा शब्द, दूसरे संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ना ही, संबंध जोड़ना ही संबंधवाचक सर्वनाम जोड़ना ही संबंधवाचक सर्वनाम है। मतलब वाक्य में सर्वनाम शब्दों में एक बात का दूसरी बात के साथ क्या होगा, संबंध प्रकट होगा। वे एक बात कह रहे हैं, वाक्य दो वाक्य हैं। मैंने कहा देखो, जिसकी लाठी, ये लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये लोकोक्ति है भाई, ताकतवर की हमेशा क्या हो जाती है, विजय होती है। तो जिसकी लाठी है यानी जो ताकतवर है उसी की भैंस है, और कहने का मतलब है जो शक्तिशाली होता है उसकी हमेशा विजय होती है, वह अपने बल के आधार पर किसी को पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये जिसकी और उसकी, ये जो आपके हैं वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहां पर भी जो जैसा और वैसा शब्द है ये आपके क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब लास्ट जो आपका बचा है वो है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। देखो नाम से, सब में नाम से पता चल जाएगा, निज का मतलब होगा अपने आप, अपना। वाचक जो शब्द, ऐसे शब्द जिनसे अपनेपन का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वाचक। वाचक आप सोच रहे हो ये वाचक क्या है? वाचक वे शब्द हैं जो उन, वे वाचक शब्द मतलब वे शब्द जो उस सर्वनाम के होने का बोध कराते हैं। जैसे मैंने पढ़ा तू, तुम, मैं, हमारा, मेरा, ये सारे क्या हैं? वाचक शब्द हैं जो उन अलग अलग सर्वनामों का बोध कराते हैं। आप देखो निज का मतलब होता है अपना। इस निजवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं के लिए वहां पर, तो क्या होता है वक्ता मतलब बोलने वाला, किसमें? उत्तम पुरुष में। और यहां पर जो है निज मतलब जो कार्य करने वाला है, करता है, यहां पर करता आएगा, वहां पर बोलने वाला है किसमें? उत्तम पुरुष में। और यहां पर करता है करने वाला, इन दो चीजों का ध्यान रखना कि जो उत्तम पुरुष है उसमें वक्ता होगा जो बोलने के लिए होगा, और यहां पर करता है क्रिया को करने वाला। एक उदाहरण पहले डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगी, उदाहरण देखो। दादाजी स्वयं चले गए, मैंने अपना काम, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो स्वयं शब्द है और खुद, यानी जो करता है वह स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो आपके क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को और अधिक पुष्ट करने का यह कर्ता पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर दादाजी है कर्ता, लेकिन इसको और अधिक पुष्ट करने के लिए, और अधिक पूरा करने के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जहाँ पर जो करता है स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का मतलब होता है अपना। ठीक है, अब जो मैं है ये पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है, लेकिन मैं अपना काम खुद, ये जो खुद शब्द इसने लिखा है ये उसको और अधिक पुष्ट करता है, और अधिक स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वाचक शब्दों पर, सेंटेंस में आए वाचक वाक्य में जितने भी वाचक शब्द आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं उनको पुष्ट करना है, उनको पहचानना है। अब इसमें परिभाषा देखेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा देखो, या जिस सर्वनाम सब, जिस सर्वनाम में करता स्वयं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है
अब इसके वाचक शब्द देखो आप, स्वयं, खुद, निज, ये सारे आपके क्या है, वाचक शब्द। आप यहाँ पर आप शब्द को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, आपने आप शब्द किस में पढ़ा है, मध्यम पुरुष में भी पढ़ा है। मैंने कहा ना पुरुषवाचक में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष होता है, वह स्वयं को या पुरुषवाचक सर्वनाम को और अधिक पुष्ट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या करता, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर जो आप मध्य पुरुष में तो आदर्श सूचक है, और यहाँ पर जो आप है वह खुद के लिए है। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट? अब आपका जो सर्वनाम शब्द का टॉपिक है वह पूरा हो गया। अब हम थोड़े से एक दो उदाहरण ऐसे करेंगे पद परिचय, भाई सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो हम लिखेंगे सर्वनाम का पद परिचय, अब सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है, भेद। भेद मैंने आपको 8 को 6 को 6 समझा दिए, कितने भेद हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक। तो ये भेद हो गए, भेद कितने, 6। दूसरा उसके बाद मैंने बताया था आपको लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक, वो ही संज्ञा वाला होगा बिल्कुल, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वो संज्ञा वाला पूरा का पूरा जो संज्ञा का पद परिचय था वही किसका परिचय रहेगा, सर्वनाम का परिचय और क्रिया के साथ संबंध। क्लियर, आगे चलो। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। अब इनकी जो पद परिचय आपको करना है वो आपको मैं होमवर्क में एक तो नोट्स बनाने हैं इसके डाल दिए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिनका पद परिचय आपको करना है। फिर जो डाउट क्लास होगी उसमें उन डाउट को जो भी किसी बच्चे की कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर करेंगे। विशेषण देखो भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा, फिर पढ़ा सर्वनाम, और अब पढ़ेंगे हम विशेषण। किसी का विशेष अर्थ जो बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेष मतलब विशेषता, तो इसकी परिभाषा आपको पता ही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण के भेद देखो। अब एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ मैं आपके पास। विशेषण के 4 भेद होते हैं, पहला गुणवाचक, तीसरा दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक। संकेतवाचक का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अभी जो संख्यावाचक है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये शॉर्ट में ये लाघव चिन्ह का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड की जो है स्थिति उसके बारे में कि भाई इसके लाइन इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसका फ्लो चार्ट आपको पूरा पूरा लिखना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप पूछेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब निश्चित गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो जो संख्यावाचक है इसके दो भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह परिमाणवाचक के दो भेद हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो एक बार हम इनको पहले पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार और देश काल स्थिति इनके बारे में जो बोध कराते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के इससे पता चल रहा है जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो उसकी मात्रा का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। और ये सार्वनामिक, देखो सर्वनाम प्लस संज्ञा का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। आप देखो जिसके बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है, निश्चित संख्या का बोध हो तब तो निश्चित संख्यावाचक, जिस निश्चित संख्या का बोध नहीं हो तो अनिश्चित संख्यावाचक, जो मात्रा का बोध कराए वो निश्चित परिमाणवाचक, और जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराए वो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक। और जो संज्ञा और सर्वनाम का जाए एक साथ मेल हो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब देखो इनके फटाफट में डेफिनेशन लिख देती हूँ। गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार स्वाद देश काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे रंग है, रंग का देखें तो काला कुर्ता, तो कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है, कुर्ता कैसा है, काला। गोल मेज, मेज कैसी है, गोल। खट्टी इमली या खट्टा दही, तो दही की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, खट्टा। राजस्थानी, ठीक है, ये सारा आपका क्या है, सारे शब्द हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सारे संज्ञा शब्द और इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का बोध कराते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 20। विद्यार्थी आपका क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की संख्या बताई जा रही है, वो कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ पर जो कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 20। तो ये जो संख्या बताई जा रही है, तो ये आपके बारे में निश्चित संख्या पता है 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? निश्चय संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, अब इसके दो पार्ट मैंने बताए थे, संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक निश्चित, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो दर्जन है वो दर्जन भी किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो यहाँ पर जो 2 दर्जन है, दर्जन और कितने हैं? 2 दर्जन। तो यहाँ पर जो 2 दर्जन केले, केले संज्ञा है, उसकी मात्रा नहीं है। दर्जन में क्या होता है? 12 होते हैं ना। तो वो जो दर्जन शब्द होगा उसमें 12 केले आपको वो काउंट करके देगा, ना कि तोल कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में जहाँ संख्या के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं हो, वहाँ पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा कुछ विद्यार्थी या कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे, यहाँ जो कुछ है वह पर उन बच्चों के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह अब हम करें परिमाणवाचक विशेषण में, तो वो भी बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा कि जहाँ जो भी विशेषण शब्द जो या संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का मतलब होता है माप तोल, जहाँ चीज को तोला जाता है, मापा जाता है, नापा जाता है। जैसे मीटर है, लीटर है, किलो है, ये सारे क्या है? माप तोल की चीजें हैं। इनके ये जो जिन सर्वनाम शब्दों से इन मात्राओं का बोध होता है, वो आपका क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण आप देखो, जैसे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पर चीनी को तोलेगा वो, चीनी आपका संज्ञा शब्द है और उस चीनी शब्द जो कितनी चाहिए? 2 किलो। तो उसको वह तोल कर आप गए वहाँ पर दुकान पर, परचून की दुकान पर, और आपने कहा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। तो वह जो दुकानदार है वह पहले चीनी को लेगा, या तो वह 2 किलो का पैकेट जो माप कर उसने, तोल कर उसने रख रखा है, वो आपको देगा, या वो आपके सामने तोल लेगा। तो इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में वही जिस मात्रा के बारे में निश्चित ज्ञान हो वो निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में देखो, चाय में थोड़ा दूध डालना, चाय में थोड़ा दूध डालना। अब जो दूध की मात्रा है, दूध संज्ञा शब्द है, वह कितना है? थोड़ा। अब वो माप नहीं पता कि वो 1 कप है, 2 कप है, या आधा कप है। थोड़ा दूध डालना, तो इसके बारे में उसकी मात्रा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका?
जो दूध है वो अनिश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब लास्ट वाला आपका बचा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ उनकी ओर संकेत करते हैं, और एक छोटा सा बिल्कुल एक वो है आपका जो आपको पहचानने के तरीका है सार्वनामिक। देखो इसको हम तोड़ेंगे, सर्वनाम सर मतलब सर्वनाम और नाम मतलब संज्ञा, तो ये तो सर्वनाम हो गया और नाम संज्ञा हो गया। यानी जहाँ पर सर्वनाम और संज्ञा का मेल होता है वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर यह आपका क्या है सर्वनाम, पुस्तक आपका क्या है संज्ञा, और यहाँ पर वह पुस्तक की ओर संकेत भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखो, उस लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पर वो सर्वनाम लड़का संज्ञा, तो आपका क्या हो गया सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आप इसमें लिख देंगे परिभाषा में वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, सॉरी विशेषण का पद परिचय करने के लिए, विशेषण का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय करने के लिए अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम भेद बताएंगे, कितने भेद हैं, चार भेद है ना, फिर उनके दो दो उपभेद हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, चौथा है विशेष्य। आपको इन चार चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि विशेषण शब्द क्या होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब जो विशेष्य होगा वो हमेशा क्या होगा संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो आपको इन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, उसमें रेखांकित करके दूंगी, आपको पहचान करना है विशेषण का हो के सर्वनाम का पद परिचय, और फिर उसकी जो डाउट होगी वो आंसर की मैं आपको भेजूंगी, और डाउट क्लास में उन सभी जो भेजा जाएगा उन्हीं का पद परिचय, उन्हीं के डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।